हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे घटना चक्र की सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। और आज से एक दो दिन जो क्लासेस आएंगी वो लंबी आएंगी, 1 से 1.25 घंटे तक की आएंगी, ताकि आपका 2 से 3 क्लासेस में टॉपिक कवर हो जाए। और साथ ही साथ फिर हम लोग UPSC IAS के टेस्ट पेपर हैं उनको भी अब शुरू कर रहे हैं, दृष्टि IAS, विजन IAS के। और UPPCS के लिए हम लोगों ने दृष्टि IAS और ध्येय IAS और UPPCS के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर को ऑलरेडी कम्प्लीट करा दिया है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उन सबको देखिए और अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए। और यूपी स्पेशल की क्लास भी कल एक आ चुकी है और जो है कि अब दूसरी भी आ चुकी है, तो धीरे धीरे आपको सभी कंटेंट रेगुलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। कब किया ये? 1773 ईस्वी में। और इसके तहत मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसियों को भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर से क्या हो गया? वो गवर्नर जनरल हो गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को। आगे देखते हैं हम इसके बारे में और चीज़ें। तो क्या लिखता है कि रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। क्या था? एलिजा एम्पे, ये इनका नाम था। और इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था, यानी कि धार्मिक के रूप में भी कार्य कर रहा है, मार्शल कोर्ट के रूप में भी, और नेशनल जो है कि लॉ जो होते हैं उसके रूप में भी कार्य करना था। और यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, तथा 3 जो अन्य न्यायाधीश बने थे उनके नाम भी आपको याद रखने जरूरी हैं। जैसे कि कौन थे वो तीनों? तो रॉबर्ट चैम्बर्स और स्टेफन सीजर ली मैंस्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। जब कार्नवालिस को भारत में वाइस गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करना चाह रहे थे, तो गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। और अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का भी अधिकार दिया गया। विशेष अवस्था की व्याख्या नहीं की गई थी कि वो कौन सी विशेष सिचुएशन होगी, अवस्था होगी कि जब कार्नवालिस के द्वारा अपनी परिषद के निर्णय को रद्द भी किया जा सकता है और अपने निर्णय को लागू भी किया जा सकता है। ओके और कार्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। अंततः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को, जो कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। और चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1,00,000 रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, अर्थात कि अब चाय और चीन से व्यापार भी समाप्त कर दिया गया और उसे भविष्य में केवल और केवल एक राजनीतिक कार्य ही करने थे, अर्थात प्रशासनिक कार्य ही। और इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि लॉ मेंबर के रूप में 4th सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को इसमें शामिल किया गया। और 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड यानी कि BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके अन्य पदाधिकारियों को का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। और डायरेक्टर यानी कि BOD जो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और उसमें 6 तो राजा यानी क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और इनमें प्रावधानित था कि नियुक्तियाँ अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, 1833 में ये कहा जा रहा है कि नियुक्तियाँ परीक्षाओं द्वारा आयोजित की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर
कंपनी से 1858 के तहत छीन कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। तो कब छीन लिया था? 1858 में। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है कि इस चीज़ों को छोड़ दिया गया कि कंपनी अब भारत को संभाल पाएगी, और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो यह कई बार आपसे पूछ लेता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई, तो 1861 के द्वारा। और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की। तो ध्यान दीजिएगा, विभागीय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन से अधिनियम में आया? तो 1861 में आया। और लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंप कर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाल दी। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं कि वित्त मंत्रालय एक मंत्री को दे दिया गया, वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, राजस्व मंत्रालय दे दिया गया, और इस तरीके से पर्यावरण मंत्रालय, तो सबको एक एक मंत्री के अधीन दे दिया गया। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया, और इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा। वे 2 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे। 2 वर्षों तक इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, अर्थात कि सरकार के नहीं होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने और उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। तथापि इन प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त न हो जाए। अर्थात जैसे राष्ट्रपति की अनुमति आज चाहिए होती है, वैसे ही गवर्नर जनरल की अनुमति भी चाहिए थी। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई। तो बॉम्बे में हुआ, मद्रास में हुआ और कलकत्ता में किया गया। वहीं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के समस्त अधिकारों को 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। तो अब समझते हैं इसको, वो कौन से 2 क्षेत्र थे। पहली, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। कहने का अर्थ हो गया कि भारतीयों को भी पहली बार जो है कि 1892 में बजट पर अपने विचार केवल रख सकते थे और उस पर कुछ नहीं कर सकते थे। तो यही हुआ कि जो मिल जाए पहले वही ले लो, धीरे धीरे हम इन शक्तियों को और बढ़ा लेंगे। तो ये इस विचार से थे। दूसरा यह था कि सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था। वहीं भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। 1919 के अधिनियम में ऐसा कहा गया, और उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए भी रिजर्व होने चाहिए। हालांकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हो जाता है। जो कि किसमें आएगा? मॉन्टेग्यू या मॉन्टफोर्ड सुधारों की, जो है कि 1919 से प्रारंभ किया गया, और जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों के विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास रखा गया था। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया
और वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया और वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग, जिसको फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया था। हालांकि यह विस्तार नहीं हो पाया या यूं कहें अस्तित्व में नहीं आ पाया, क्योंकि देशी रियासतों ने मना कर दिया था शामिल होने से। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन शुरू कर दिया गया और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया। आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया और गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। तो 1861 में अध्यादेश की शक्ति मिली, वहीं 1935 में व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियां भी दे दी गईं। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। तो ये पहले से ही चला आ रहा था और इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का भी विस्तार हुआ, जो कि 1909 में पहले ही मुसलमानों को अलग मिल चुका था। तो अब क्या था कि मुसलमानों, सिख, यूरोपी, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को अलग अलग प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। जैसे वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, पहला कि संघात्मक सरकार की स्थापना जो वर्तमान में भी है, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों की शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्याय की स्थापना करना आदि। तो ये सारे प्रमुख प्रावधान थे 1935 के। और वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक ऐसी कार मिली है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यानी बहुत जगह ब्रेकर मिलेंगे लेकिन गाड़ी चलने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। वे पंचशील के प्रणेता और गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की। और आगे देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा और चौड़ा प्रलेख था। इसमें लगभग 14 भाग, 321 धाराएं थीं। और आगे देखते हैं हम इसके बारे में और चीज़ें। फिर हम यहाँ पर जब प्रश्न करेंगे दोस्तों, तो प्रश्न से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ इसमें 10 अनुसूचियाँ भी थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP के रूप में समाविष्ट किया गया। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां ही कहा है। तो ये सारी स्टेटमेंट थी। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपने जानी, लेकिन जब हम MCQs करेंगे इसके तो और भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, आपको सारे अधिनियम भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया? 1773 में यह चीज़ पारित की गई है। तो समझते हैं यहाँ पर। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1773 को ही अब पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का।
ठीक है, पहली बार यहाँ पे गवर्नर जनरल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग अधिनियम जो कि था 1773, इसके अधीन 1774 में भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आप यहां देखेंगे कि सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि 1+3=4 थे। और इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि न्यायालय के रूप में और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। हालांकि यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश भी थे, साथ ही साथ रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजरली मैस्टर एवं जॉन हाइड इसके मुख्य मतलब अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत में वर्ष मतलब भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट नहीं, 1909 ये भी नहीं, 1858 यह भी नहीं, 1919 यह भी नहीं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये असल में इस्टेब्लिश किया गया था 1773 के अधिनियम के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे, क्योंकि 1774 में जब पहली सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश होती है तो उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और प्लस तीन अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया था सामान्यतः 1786 का जो आया था एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है कि गवर्नर जनरल बनाने के लिए बात की गई थी और कॉर्नवालिस को एक विशेष शक्तियाँ भी दी गई थी, तो 1786 का एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस का अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1786 का एक्ट, 1784 नहीं 1786 रहेगा, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर का उसके न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक यानी कि टैक्स कलेक्टर अभिकर्ता के रूप में बना दिया गया, ऐसा विनियमन का कारण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में होनी चाहिए जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे वो, तो ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है, ये बात बिल्कुल सही है और इससे उसको अपनी सत्ता का भी खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने ऐसा किया कि जो डीएम था उसके न्यायाधीश के कार्य अलग कर दिए गए और टैक्स कलेक्शन के कार्य अलग कर दिए गए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, तो सामान्यतः हम एकाधिकार की बात करेंगे तो 1813 अधिनियम को ही लेंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो एकाधिकार समाप्त होता है वो 1833, लेकिन जब इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, दोनों ऑप्शन हैं, तो आपको 1813 ही ऑलवेज लेना पड़ेगा, यही सही माना जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार के एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी थी। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारी के अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। और अगला प्रश्न फिर से वही होगा, चार्टर एक्ट 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी थी, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया और वो भी कितने का, 1,00,000 रुपये वार्षिक था, 1,00,000 रुपये वार्षिक था, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं,
देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1,00,000 रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों को के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति और आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया था। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन करना, यह बात सही है, और भविष्य में केवल राजनीतिक गतिविधि ही करेगी, यह बात तो रखी गई थी। दूसरा यहाँ पर है, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम का भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, यह बात भी सही है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल होता 1833 से। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना और गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना, तो यह बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक अंग्रेज की नियुक्ति करने की बात हुई थी। और जो पहला व्यक्ति नियुक्त हुआ था विधि सदस्य के रूप में, वो हुआ था आपका लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले को ही अपॉइंटमेंट मिली थी यहाँ पर, तो ये मैंने आपको बता दिया। और आगे देख लेते हैं, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1918 में आई थी उसके द्वारा यह दी गई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, और रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। तो इस बात को तो नहीं माना गया, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। और एचिसन आयोग ने 1887 में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा था कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, यानी कि रियली में स्वीकार कर लिया गया, तो 1853 में, क्योंकि इससे पहले ब्यूरोक्रेट्स को ऐसे ही भर लिया जाता था अपनी पहचान के नाम पे, नेपोटिज्म के नाम पे, लेकिन उसके लिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होता था। और आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर समझते हैं, 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी और डायरेक्टरों की जो संख्या वो 24 से घटाकर 18 कर दी जाएगी, जिन 18 में से भी 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और इसमें एक प्रावधान था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 18, निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया? तो 1853 में किया गया, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हो गई थी? तो 1922 में ही यह सहमत हो गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट पर। तो 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी, और इससे पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। वर्ष 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, हालांकि 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दिया, और 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC कर दिया गया। तो ये थी हमारी UPSC की जर्नी और UPSC की यात्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो आइए इसके दोनों ही स्टेटमेंट की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे दोनों ही सही हैं। कैसे सही हैं भाई? 1922 से भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी प्रारंभ हो गया, और 1 जनवरी 1941 को सिविल सेवा में भारतीयों की जो संख्या थी वो 617 की भागीदारी यूरोपियों के 585 से ज़्यादा हो गई थी।
अब यहाँ पर आता है आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना होता है कि कौन सी चीज़ें किस में दी गई हैं। तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। ईसाई मिशनरियों को अगर भारतीयों में कार्य करने की अनुमति दी गई भारत में तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा दी गई थी। गवर्नर जनरल में परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात हो गई थी तो जो लॉ मेंबर आया था लॉर्ड मैकाले वो 1833 के चार्टर एक्ट से आया था। और अगला बचता है आपका नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स का भारत अधिनियम जो कि 1784। तो ये आपका सही मिलान हो गया जो मैंने किया है और आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो नीचे आप व्याख्या में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक असैनिक तथा राज्य संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया और पिट का भारतीय अधिनियम 1784 था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में की गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश बसने और कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में दी गई। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया तो ये चार्टर अधिनियम 1833 में था। और अगला फिर से यहाँ पे सूची वन और सूची सेकंड है तो लेकिन ये अधूरा है इधर, तो हम लोग आइए सीधे व्याख्या में चलते हैं। तो इसकी व्याख्या में हम लोग समझते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन और चाय के व्यापार को अभी एकाधिकार चलता रहा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के निदेशकों की को कंपनी के प्रबंध में संबंधित पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया और 1858 के अधिनियम के तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिए गए और इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दे दी गई कि अब भारत सरकार का मतलब भारत का और भी जो है कि क्या किया जाएगा, बेटर तरीके से शासन चलाया जाएगा बेहतर तरीके से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते, जिसका मुख्य कार्य क्या था, डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना। तो आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी कि BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये हो गया 1784 में आया था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो जब चाय और शक्कर को भी समाप्त कर दिया गया तो सामान्यतः 1833 ही होना चाहिए था यहाँ पर चाय और शक्कर। अच्छा यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे चाय और चीनी होना था, ये चीनी जो है कि ये वाला चीनी नहीं था, ये चीन था, चीन से जो व्यापार होता था इसलिए, तो यहाँ पर इसलिए इसको स्टार बना दिया गया है। हालांकि इसको आंसर लिया जाना चाहिए था वही, देखिए यहाँ चाय चक्कर शक्कर के स्थान पे चाय और चीन होना चाहिए था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब, 1833 के चार्टर अधिनियम में। जैसे अब यहाँ पे समझेंगे जो चार्टर अधिनियम दिए हुए हैं कि 1757 और 1764 के युद्ध, 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इम्पॉर्टेंट था। इसका 1793 का चार्टर अधिनियम आता है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। और 1813 का चार्टर अधिनियम प्रमुख प्रावधान था कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार से संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। और वो 20 वर्ष जब कंप्लीट हो गया 1833 में तो चार्टर अधिनियम के द्वारा इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना ही रह गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया, तो 1834 में किया गया था। कैसे, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी यानी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया और तीन पहले की प्रेसिडेंसी थी वो थी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सर सीटी मेटकॉफ को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न 27, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था कब, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे
कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद यानी कि एडवाइजरी काउंसिल गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत थे और शेष सदस्य जो है कि 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, तो ये गलत है क्योंकि ये 1833 में ही हो चुका था कंप्लीट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया, तो ये बात सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है, और ये अधिकाधिक जो है कि अध्यादेश की समय सीमा थी 6 महीने तक ही यह लागू रह सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया, तो ये जो विभागीय पद्धति शुरू हुई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा शुरू हो गई थी और यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही शुरू की गई थी। ध्यान दीजिएगा, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे और इन्होंने ही विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो 1892 में जो है कि शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन आगे चल के 1909 में इन्हें पूरक प्रश्नों को पूछने का भी अधिकार दे दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत ने अंग्रेजों में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1892 में। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, तो 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था और प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लेटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो, और इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई, तो उच्च न्यायालयों की स्थापना वैसे देखा जाए तो 1862 में हुई थी, लेकिन 1861 के अधिनियम का प्रयोग करके। ओके, और अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, तो वो था 1919 का इंडियन एक्ट काउंसिल, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे, अगला प्रश्न है 36, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो होता है वो आता है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल दिया है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने कहा, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्या कर दिया? हमारा सर्वनाश कर दिया। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, तो वो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है इसे। किस नाम से जाना जाता है? एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर ये मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 39, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैत शासन का जनक सर लियोनस कर्टिस को जाना जाता है। सर लियोनस कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसके द्वैत शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट,
भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा कि 1919 का आधार बनी, न कि 1909 का, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई थी वो 1918 में आई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, 41। आगे देखते हैं हम लोग 41 प्रश्न। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे उसके प्रधानमंत्री? लॉयड जॉर्ज थे। और साथ ही साथ यह 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, तो इसे 1919 के अधिनियम के तहत लागू की गई थी और 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त भी कर दी गई थी। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में 1924 से 1927 तक निलंबित रहा। और आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी कि डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजित करता है। यानी कि द्वैत शासन का मतलब हो गया एक हस्तांतरित विषय की शक्ति और एक होती आरक्षित विषय की शक्ति, तो इसे ही द्वैत शासन के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित था, संवैधानिक सुधार से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को इसने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कौन था? तो 1919, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन लागू होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चलिए, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित किए थे। यानी यहाँ पर तीन बातें सही हैं लेकिन एक जो गलत है हमें उसे पहचानना है। तो यह अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1921 में लागू किया और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइस रहे थे। तो इसके बारे में जो गलत है वो ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो मार्ले मिंटो सुधार है वो 1909 के नाम से जाना जाता है, न कि 1919। बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं आपके। अगला प्रश्न है 48। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ भारत का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय ही रही। अब यहाँ पर देखना है कि क्या एकात्मक और केंद्रीय रही, या दूसरा है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी हो जाएगा, कि ए गलत है और आर सही है, क्योंकि ए में लिखा हुआ है केंद्रीकृत, और केंद्रीकृत तो एकात्मक नहीं थी बल्कि ये विकेंद्रित हो गई थी, क्योंकि प्रांतों को भी यहाँ पर शासन करने का अधिकार दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजित करना था। बिल्कुल सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, यह भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की कोई व्याख्या यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रहा स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 50 प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई और इसके कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारी खेतों को देखना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि शामिल था। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों पर ही होता था। अगला प्रश्न 51।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित है। एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो आप देखोगे एक और दो तो सही है, लेकिन तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि यहाँ पे द्विशासन की प्रस्तावना जो थी ये 1919 में आई थी, न कि 1935 में। और केंद्रीय विधायिका को कोई भी संप्रभुता भी नहीं दी गई थी, यानी उत्तरदायी शासन नहीं दिया गया था। तो एक और दो सही होगा, 51 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, जो 1927 में नियुक्त हुआ था और 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन इसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए, वर्ष 1927 में से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हो जाना, गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निशेषाधिकार यानी वीटो की शक्तियों स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो आप तीन को यहाँ देख के गलत कर सकते हो, तीन को यहाँ देख के गलत कर सकते हो। अब बात आती, पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा, क्या वीटो की पावर दी गई थी या नहीं? तो आप देखोगे बी ऑप्शन है, यानी वीटो की पावर भी यहाँ पर दी गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन यानी ऑटोनॉमी मिल गई थी और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया था। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया, साथ ही गवर्नर को अध्यादेश करने का भी अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां, मुसलमानों, सिख, यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व भी मिल गया यहाँ पर। ओके, तो ये वाली बातें थी इसमें। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त कर दी? तो प्रांतीय स्वायत्तता नहीं, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को जो है कि समाप्त कर दिया यहाँ पे। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध भी था। तो डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। जैसे पढ़ते हैं कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा भी बहुत कुछ 1935 से प्रभावित है, जैसे मुख्य रूप से संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। और इस हिसाब से यह ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्ति नहीं थी? केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता या एक अखिल भारतीय संघ? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि केंद्र में तो द्वैत शासन रहेगा लेकिन राज्यों में द्वैत शासन नहीं था, बल्कि इन्हें तो स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। तो ये तो थे आपके 58 प्रश्न संख्या तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राजसी प्रांतों पर अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंतः प्रभावी बनाना अंततः, और राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे दे रहा है, 1935 किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, और यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न 61,
किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक तो थे लेकिन किंतु इंजन नहीं था। तो 1935 का अधिनियम के बारे में इन्होंने कहा था। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्या लिखता है यह? संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिकार ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल और दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था भी की गई थी। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में, और इसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही की जा रही थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो सी हो जाएगा आपका, ए और सी, यानी 1926 और 1945, न कि 1937। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है आधुनिक इतिहास का विविध। तो देखिए ये मिसलेनियस टॉपिक है और यहाँ पे लगभग 200-150 प्रश्न हैं जो आपके पूरे एग्ज़ाम को कवर कर देगा। यहाँ पे जितने भी आपके फैक्ट छूटे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाएंगी। तो हम लोग इसके नोट्स को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई एक कहानी नहीं है कि जो आपको इजीली समझ में आ जाए। एक घटना अगर आज की है तो एक घटना 10 साल बाद की होगी, एक घटना 5 साल पुरानी होगी, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन हम लोग इसके MCQs के माध्यम से सारी चीज़ों कवर करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आप लोग इस क्लास को जब देखोगे तो कहोगे सर मज़ा आ गया इस क्लास को देख के, क्योंकि इसमें ही तो बहुत सारे फैक्ट थे जो हर किताबों में नहीं मिलते थे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।